रायगढ़, अध्यापक का नाम सुनील गोपीनाथ पाटिल। कक्षा आठवीं के आठवीं में गणित के लिए वृत्ताकार, इसमें केंद्रीय कोण पढ़ाने जा रहा हूँ। ये टॉपिक पढ़ने के लिए उसके मैंने तीन पार्ट किए हैं। इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन आंसर मेथड करके लेके वो पढ़ने का पढ़ा होगा, और बाद में डिलीवरी में ग्रुप एक्टिविटी लूँगा, और कंप्लीट फिर से क्वेश्चन आंसर मेथड करने वाला हूँ। बच्चों का पूर्वज्ञान कितना है ये जानने के लिए उन्हें मैं वृत्त के आधार पर कुछ प्रश्न देता हूँ, और वृत्त के घटक बताओ, और जो फिगर है उसमें वृत्त के घटक कौन से हैं वो बच्चे लिखते हैं। उनका पूर्वज्ञान जागृत होने के बाद मैं अपने मेन पार्ट में आने वाला हूँ। उसमें केंद्रीय कोण किस प्रकार होता है, उसका माप किस प्रकार लेते हैं, वो मैं चार्ट के माध्यम से थोड़ा बढ़ाऊंगा। बच्चों को संकल्पना दृढ़ होने के बाद उन्हें कुछ पेपर देता हूँ, और उसमें केंद्रीय कोण और उसने अंतरखंडित किए हुए चाप का नाप किस प्रकार निकालना है वो खुद बच्चे करते हैं, और उन्हें उसमें केंद्रीय कोण और वृत्त का चाप का सहसंबंध जानने के लिए प्रेरित करता हूँ। बच्चे सब अपने ग्रुप में चर्चा करके पढ़ते हैं, और उन्हें ये सब कुछ कितना समझ में आया है ये जानने के लिए मैं कंक्लूजन में क्वेश्चन आंसर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। उसमें कुछ क्वेश्चन देता हूँ, और फिगर के माध्यम से बच्चे ये केंद्रीय कोण और उसने अंतरखंडित किए हुए चाप का नाप निकालते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन है, वृत्त के चाप का नाप 160 अंश है, तो उसके संगत केंद्रीय कोण का नाप किस प्रकार है वो भी बच्चे जानते हैं।